हेलो वेलकम फ्रेंड्स, ये टेक न्यूज और आप देख रहे हैं टेक न्यूज नंबर 5। तो पहली खबर की बात करें तो पहले मैं आता हूँ वीवो के फोन्स के बारे में। तो वीवो जो आपका पॉपअप किंग था, मतलब वो पहला फोन था जो आपको मिल रहा था जिसमें पॉपअप कैमरा था, वीवो का नेक्स्ट जो 2 साल पहले निकला था और उसका प्राइस करीब 40,000 रुपया था। तब पॉपअप कैमरा जो था वो उसका स्टाइल नया था, इसलिए वो प्राइस थोड़ा भी हायर था। अब तो 17,000-18,000 में आपको मिल जाता है एक पॉपअप कैमरा का फोन। तो वीवो का जो मैं बात करने वाला था, वीवो का नेक्स्ट 2 और नेक्स्ट 3। नेक्स्ट 2 पिछले साल निकला था, वो इंडिया में नहीं आया था, और नेक्स्ट 3 था जो चाइना में लॉन्च शायद होने वाला है इस महीने या अगले महीने, और नेक्स्ट 3 मिल जाएगा आपको दिसंबर के एंड में आपको इंडिया में भी। तो वीवो का जो और एक फ़ोन आ रहा है वो है वीवो का V15 सीरीज़ का एक सक्सेसर, V15 और V15 प्रो का सक्सेसर V17 और V17 प्रो। और इस वीडियो में मैं पहले उसी बात की बात करना चाहता हूँ कि वीवो V17 जो फ़ोन है उसमें आपको सामने में दो कैमरे मिल रहेंगे, जिसमें आपको पॉपअप में दो कैमरे मिलेंगे। तो पहले आप वर्ल्ड का ये फ़ोन है जिसमें आपको पॉपअप दो फोन में, एक फ़ोन में एक पॉपअप दो कैमरा मिल रहा है, और वो बहुत ही बड़ा चीज़ है। देखिए, पॉपअप का जो सेटअप होता है वो मोटराइज मैकेनिज्म होता है, तो बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है और काफ़ी एडवांस इंजीनियरिंग लगता है उसको सेटअप करने में। इसमें आपको दो पॉपअप मिल रहा है, एक शायद 32 मेगापिक्सल का होगा और एक शायद 2 मेगापिक्सल या 5 मेगापिक्सल का एक डेप सेंसर आपको, या फिर एक अल्ट्रा वाइड सेंसर भी आपको मिल सकता है 8 मेगापिक्सल का। तो इस बात में जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको और एक वीडियो में इसके बारे में जानकारी दे दूंगा। तो इसके बाद में बात करूँ तो ओप्पो जो वीवो का एक सिस्टर ब्रांड है, तो उसके बाद में बात करूँ तो एक आता है MIUI। तो पहले मैं ओप्पो की बात कर रहा था, फिर मैं MIUI के बारे में जो बहुत ही एक तगड़ा न्यूज़ है MIUI का वो मैं बताने वाला हूँ। तो पहले ओप्पो में अपना जो रेनो 2 था वो लॉन्च कर दिया था, जिसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं जाके। या फिर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ओप्पो का A5 और A9 के बारे में। ओप्पो का A5 और A9 आपको सितंबर के बीच में या फिर 15 से 20 तारीख के बीच में आपको मिल जाएगा इंडिया में। लॉन्च तो हो गया, मतलब अनाउंस हो गया, लॉन्च होते ही वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, फ्लैश सेल और ओपन सेल में चले जाएंगे दोनों। और ओप्पो A5 और A9 जो है वो 5000 mAh बैटरी, स्नैपड्रैगन 665 में है दोनों फोन्स में। आपको ट्रिपल कैमराज मिल रहा है पीछे की तरफ, और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दोनों में है, आउट ऑफ बॉक्स फास्ट चार्जर आता है। और इसमें आपको जो A5 है उसमें सामने में 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, पीछे 12 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल। आपको पता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होता है, वो दोनों में सेम है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दोनों में ही सेम है। सिर्फ फर्क है यही कि उसमें 13 मेगापिक्सल का आता है और इसमें आपको प्राइमरी सेंसर 12 मेगापिक्सल का, 13 या 12 एक ही होता है 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर। इसमें आपको 40 मेगापिक्सल का एक सोनी एमएक्स 5X है, उसका एक प्राइमरी सेंसर आपको इसमें मिल जाता है। तो इसकी बाद में बात करूँ तो MIUI में आपको एक बहुत ही बड़ा अपडेट जो चाइना में लॉन्च हो गया, मतलब निकल गया था, वो शायद अनफॉर्चुनेटली निकल गया था। MIUI 11 जो हो रहा था शायद एंड्रॉइड 10 पे बेस, पर वो एंड्रॉइड 5 के ऊपर ही निकल के गया था 11, और जैसे ही निकला था वो उसको बंद कर दिया था 2-3 घंटे बाद, पर निकल के गया था और कुछ लोगों ने उसको इंस्टॉल भी किया था। और XDA डेवलपर्स द्वारा ये खबर पक्की कर दी गई है कि MIUI 11 का जो अपडेट है वो बहुत ही जल्दी आपको पुश होगा MIUI के फोन्स में। तो इसके बाद में बात करूँ तो मी का जो पॉकेट प्रिंटर है वो चाइना में, उन्होंने स्मार्टर लिविंग का जो प्रोजेक्ट किया है वो इंडिया चाइना मिला के है, तो उसमें आपको शायद पॉकेट प्रिंटर चाइना में लॉन्च होगा, वो इंडिया में आने में शायद पता नहीं, चाइना में शायद 2-3 हज़ार रुपये में और इंडिया में आपको शायद 2,500-3,500 रुपये में मिल जाएगा शायद। मुझे लगता है इस बार वो लोग ये चीज़ इधर लाएंगे। और मी की एक और बड़ी चीज़ की बात करें तो मी का एक 65 इंच का बड़ा एक LED पैनल वाला एक DVR है जो आपको 42,000 या 45,000 के बीच में आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ है जो मी का जो मी बैंड फोर जो एक स्मार्ट वॉच है वो भी इस इवेंट में आपको शायद लॉन्च हो सकता है, मुझे लगता है लॉन्च होगा, क्योंकि आप फोटो में देखिए वो दिख रहा है कि लॉन्च होगा ही, क्योंकि उसमें एक जो इमेज है उस बैंड का उसको दिखा रहा है, स्मार्टर लिविंग 2019 ऐसा कुछ दिखा रहा है। तो इसकी बाद में बात करूँ तो मोटो का E5 प्लस जो है वो नया फ़ोन वो लॉन्च होने वाला है इस महीने या फिर अगले महीने के स्टार्टिंग में। गूगल का जो और एक मैं अपडेट देने वाला हूँ, गूगल में आपको एक प्ले पास मिलेगा जैसे आपको मिलता है रॉयल पास पबजी में, और मैंने कल ही बताया था आपको, कल या परसों बताया था एप्पल का जो आर्केड है वो निकल आया है। जैसे ही एप्पल एक चीज़ करता है वो गूगल उसको कॉपी कर देता है, ऐसा ही चीज़ होता है। तो गूगल भी एक ला रहा है आपका प्ले पास, जिसमें आपको एक प्रीमियम गेम्स का वैसे ही मिलेगा, प्रीमियम गेम्स आप खेल सकते हैं उसको, आप सब्सक्राइब कर ले तो। और इसके बाद में बात करूँ तो आते हैं पहले सैमसंग की खबर में। तो सैमसंग का बहुत ही अच्छा खबर आ रहा है कि सैमसंग अपना जो नोट 10 सीरीज़ था वो काफ़ी सारे बिक रहे हैं, और जिसका प्राइस मैं सोच रहा था कि उतना होगा 80,000 वैसा ही है प्राइस, और पर बहुत सारे यूनिट बिके गए हैं कि करीब करीब 1 लाख यूनिट ग्लोबली सोल्ड हो चुके हैं। और इसके बाद में बात इसके
बात की खबर की बात करें तो मैं आता हूँ पबजी पे। पबजी में दो खबर है, एक बुरी खबर है अगर एक मतलब अच्छी खबर है। और पहले मैं बुरी खबर सुनाता हूँ आपको। एक केरला में आपको एक लड़का था, वहाँ वो पैसा मांग रहा था पापा से कि पबजी खेलना है, इसलिए उसका जो नेट का जो डेटा है वो ख़त्म हो गया था प्लान, और नहीं पापा ने उसको पैसा नहीं दिया इसलिए वो पापा को मार दिया। तो ये बहुत ही बुरी खबर है। पबजी आपको खेलना चाहिए, आप पबजी को आप नहीं खेलना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि अब वो आपको एक गेम है, गेम की तरह ट्रीट कीजिए उसे। यही मैं कहना चाहता हूँ कि उसको बस फ्री टाइम में खेलिए, जब दिन में 3 बार या 2 बार बहुत ही मतलब नॉर्मल है, ऐसे आप जैसे कार के गेम्स खेलते हैं, रेसिंग गेम्स, वैसे ही आप खेलिए। इसको वैसा मत लीजिए कि ये आपका प्रोफेशन ही बन जाए। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए आप खेलेंगे गेम को, ठीक है। तो अच्छी खबर की बात करें तो पबजी जो मोबाइल है, लाइट वर्जन नहीं है, लाइटर वर्जन नहीं है, जो बड़ा वर्जन है उसमें आपको 0.14.5 का एक अपडेट आ रहा है, और जिसमें आपको रॉकेट लॉन्चर्स और हेलीकॉप्टर मोड, बहुत सारे नए नए फीचर्स मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है पबजी लवर्स के लिए। जिसकी बाद में खबर की बात करें तो मैंने एक और वीडियो बनाया है कुछ एक या दो दिन पहले, आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, आईफोन 11 माई ऑनेस्ट रिव्यूज़, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद में खबर की बात करें तो चंद्रयान 2 जो है वो अपना विक्रम लैंडर जो खो गया था, बट वो उसका इमेज निकल के आ गया, तो इस बार पे एक लाइक तो बनता है। तो जो ऑर्बिटर है वो उसको ढूंढ के निकाला है, तो शायद उसे नेक्स्ट जो 14 दिन के बाद जो जब सोलर उस पर गिरेगा तब वो शायद उसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। उसके बाद की खबर की बात करें तो आसूस का जो गेमिंग बीस जो कह जाता है, उसका रिपब्लिक ऑफ गेमर्स का जो फ़ोन होता है आरओजी, वो जो इंडिया में आया था 1-1.5 साल पहले, जो 70,000 के प्राइस रेंज में था, और आरओजी 2 जो चाइना में निकल गया था 1-2 महीने पहले, जिसमें आपको 35,000 से बेस प्राइस शुरू हो रहा था, और वो शायद इंडिया में लॉन्च होगा नवंबर में या फिर अक्टूबर के एंड में। उसका प्राइस मुझे लगता है करीब करीब 50,000 होगा, तो इस प्राइस रेंज में वो वन प्लस को काफ़ी तगड़ा कॉम्पिटिशन दे सकता है, या फिर वन प्लस अपना जो 70 और 70 प्रो है जो 26 सितंबर को लॉन्च होगा, उसमें से भी आपको शायद बेटर मिलेगा आसूस का आरओजी 2 में। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।